हाँ नहीं बस विवेक आत्मन अपने मुंह से कहती है कि मेरी इज्जत गुजर चुकी, और उसका शौहर भी कहता है हाँ हाँ ये सब चीजें हो गई, फिर क्या हक बनता है मेरा कि मैं आपको नहीं तलाक के पेपर्स लाओ मुझे दिखाओ। लेकिन मुफ्ती साहब फिर यहाँ पे एक और फिर बात आ जाती है ना कि नॉर्मली अगर पब्लिक में कहीं पे ये हो तो वहां पे औरतें संसार कर दी जाती हैं कि जी आपने अभी इज्जत पूरी नहीं की और आपने दूसरी शादी कर ली, दूसरा निकाह तो होता नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल लीगली इस्लामी कानून के मुताबिक। फर्ज कीजिए मीडिया में कहूँ तो ये पूरा ड्रामा बन जाए, ड्रामा क्या बन जाए, मुफ्ती साहब आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, मौलवी आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ये तो आपकी इंटीग्रिटी। मैं किसको बता सकता हूँ कि मुझे ये कहा गया, मैंने कहा ठीक है इतबार की, बिल्कुल इतबार ही है, इतबार ही है बिल्कुल। लेकिन ये तो मैं अचानक आया हूँ और नहीं साहब अगर फर्ज कीजिए कहते हैं कि ये मेरी पहली है तो मैं पूछूंगा कि आप निशाना मत खाओ जी, मैंने नहीं साहब का इतबार करना है कि कह रहे हैं ठीक है आप क्या करते हैं। हाँ जी, कितने बड़े आदमी की गलत बयानी से काम लेंगे, क्यों बचा कोई कुछ। लेकिन हमें तो नहीं साहब से थोड़ा सा शिकवा है, क्या कि आपने क्यों नहीं रोका इन चीजों, रोका मुझे इल्म ही नहीं था, उनको पता होगा उनके फरिश्तों को इल्म नहीं था। साहब इमरान खान से मेरी 35 साल पुरानी दोस्ती नहीं है। ये जो चीज है इसमें फरिश्तों का होना जरूरी नहीं है, नहीं शैतान। इमरान ने मुझसे कि मैं इन चीजों के खिलाफ हूँ, जो पीर मुरीदी और मजार पे जाके कब्रों को चूमना उमना ये मेरे बिल्कुल उसके सख्त खिलाफ हूँ। और इमरान से एक दफा मेरी बातचीत हुई थी तो मैंने कहा यार ये तुम क्या हो गया तुमको, ठीक है फातिहा पढ़ना अलग चीज होती है मगर जाके क्योंकि ये जब ये गए वो तस्वीर आ गई थी आपको शायद ज्यादा समझ आपके पास। इमरान ने को समझ गया था कि मैं इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ ठीक है, और ये गिफ्टीरों फकीरों और बेहतर उसने बिल्कुल विचर ही नहीं किया, तो मैं से मना क्या करता, मैं समझता ठीक है जा रहे हैं जाए, जईफुल एतकादी है